हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीरियल अड्डा पर और मैं हूं आपके साथ दामिनी। और आज हम बात करेंगे भाभी जी घर पर है सीरियल की, जिसमें हमने देखा कि सक्सेना ने एक मौसम चैनल खोला, उसमें उनका साथ दे रहे हैं मलखान और टिल्लू। सक्सेना रिपोर्टिंग करते हुए बताता है कि मौसम बहुत सुहावना रहने वाला है, बारिश हो सकती है और बिजली भी कड़क सकती है। सक्सेना को रिपोर्टिंग करते देख अनीता कहती है कि वो सक्सेना के लिए बहुत खुश है और सक्सेना बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। तभी अचानक से बिजली कड़कती है और अनीता विभू से चिपक जाती है और इस सुहाने मौसम में दोनों रोमांटिक गाना गाने के लिए बालकनी में आते हैं। तो वहीं अंगूरी और तिवारी भी इस सुहावने मौसम को एंजॉय करने के लिए अपनी बालकनी में आते हैं। अब आपको बता दें कि तिवारी अंगूरी अपनी बालकनी में है और विभू अनीता अपनी बालकनी में है। हालांकि दोनों अपनी अपनी बीवियों के साथ है, फिर भी दोनों ही अपनी भाभियों को देख रहे हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे की भाभियों पर हैं। तिवारी की होती है अनीता भाभी पर, तो विभू की होती है अंगूरी भाभी पर। अब सुबह का वक्त होता है और सक्सेना, मलखान, टिल्लू, मास्टर जी, प्रेम चौधरी और डॉक्टर साहब चाय की दुकान पर बैठे होते हैं। सक्सेना अपना कैमरा साफ करने में लगा होता है और बाकी सब मटर गश्ती। तभी रूसा आती है और कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगा मलखान और टिल्लू को टीवी में देखकर। इसी के साथ वो कहती है कि मेरा भी ये सपना था कि वो भी कभी टीवी में आ सके। बस इतनी कहने की देर थी, मलखान और टिल्लू दोनों ही सक्सेना से रूसा को भी अपने साथ रखने की गुजारिश करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ विभू अंगूरी भाभी को पकाने में लगा रहा, तो वहीं तिवारी अनीता भाभी को चुपके चुपके डांस करते देख रहा था। तभी अनीता की नजर तिवारी पर पड़ती है और वह तिवारी को बहुत सुनाती है। उसके बाद तिवारी चुपचाप से वहां से निकल जाता है। अब इंतजार है बस कि क्या होगा अगले एपिसोड में।